हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। और जो हमने जनरल अवेयरनेस की सीरीज शुरू की थी, आज उसका फिफ्थ पार्ट है। अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो विजिट कीजिए, वे भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो हमारी साइट विजिट कर सकते हैं www.brainengineers.in पे, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ UP एंड MP एंड और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। तो वो है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी स्टेट्स से पास करता है? UP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और जे 82.5 डिग्री ईस्ट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, 10 डिग्री चैनल है वो कौन कौन से दो आइलैंड को डिवाइड करता है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। तो अगर मोर स्पेसिफिकली बोलें तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को डिवाइड करता है। अगर अलास्का एंड रशिया की बात करें तो बेरिंग स्टेट अलग करता है इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट टॉक फिल्म ऑफ इंडिया। तो इंडिया की पहली बोलती फिल्म जिसमें आवाज़ थी वो कौन थी? तो वो थी आलमारा। वो कब आई थी? 1931 को। अगर सबसे पहली फिल्म बॉलीवुड की जो और इंडिया की, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। कब आई थी? 1913 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर्स ऑफ UNO आर सिचुएटेड एट। UNO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिलेंगे हमें? तो है न्यूयॉर्क, USA में। अगर हॉग की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स जहाँ मिलेंगे? अगर जिनेवा की बात करें तो WTO और WHO के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। अगर पेरिस की बात करें तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज जो डिक्लेयर करते हैं वो, उसका हेडक्वार्टर्स यहाँ मिलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज? इन सभी में से लार्जेस्ट साइज कौन सा है? तो वो है पौंडीचेरी का। अगर सबसे लार्जेस्ट पूछें तो है अंडमान निकोबार। फॉर द गैल्वनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड? जो गैल्वनाइजेशन क्या होता है, जो आयरन की रोड है तो इस पर एक कोटिंग की जाती है ताकि इसे रस्ट ना लगे। तो वो किस मेटल से की जाती है? तो वो की जाती है जिंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालय माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हिमालय किस माउंटेन का हिस्सा है? तो वह है फोल्ड माउंटेन्स का हिस्सा है। अगर ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो इंडिया में एग्जाम्पल है सतपुराज एंड विंध्यास इसकी एग्जाम्पल है, एंड विंध्यास। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है बहुत ही फेमस है, तो वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिवाइड एशिया फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सी स्टेट अलग करती है? तो वो है बेरिंग स्टेट। कभी कभार क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी स्टेट है जो इंटरनेशनल डेडलाइन के सबसे नज़दीक है? तो वो बेरिंग स्टेट है जो इंटरनेशनल डेडलाइन के भी सबसे नज़दीक है और एक ही साथ जगह से पास करती है बेरिंग स्टेट। और ये जोड़, अगर मोर स्पेसिफिकली बोले तो रशिया एंड अमेरिका को अलग करती है। अमेरिका में इसी अलास्का को अलग करती है रशिया एंड अलास्का को। अगर पाक स्टेट की बात करें तो पाक स्टेट है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। अगर बॉस्फोरस स्टेट की बात करें तो ये टर्की को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर मलक्का स्टेट की बात करें तो इंडोनेशिया एंड मलेशिया को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो वो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इसी के साथ ये हमारी सीरीज ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है अगर आपको ये
पार्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को आप। और पीडीएफ के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं एंड हैव अ गुड।